हो रहा है, गांव घर का रास्ता है 25 फीट रास्ता, लग रहा है कि यहां पर मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा कि क्या इनका यहां हाईवे बनेगा, यहां क्या होना है, कुछ होना होना है नहीं, रास्ता बना नहीं, देख सकते कच्चा है अभी बरसों से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम सूरत राय अपने आना में अपना मंत्री का दबदबा देखा के जो लोग उनके विरोध में है उनके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो राम सूरत जी याद रखिएगा, ये बुलडोजर अब नहीं चलेगा, ये आसानी से चलने वाला नहीं है, कल आप भेजिए बुलडोजर, हम लोग फरिया लेंगे आपका, कितना शासन है प्रशासन है, ये जुल्म गरीबों पर नहीं चलने वाला, आप ये बुलडोजर ये चाह रहे हैं कि खास लोगों पर बुलडोजर चला के अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये आपको हम चेता रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो समझिए कि लाशों पर से गुजरना होगा, क्योंकि ये घोर अन्याय है। ये घर बना बनाए आप देखिए पक्का का मकान है, लोग ईंट एक एक रुपया जोड़ करके घर बनाते हैं, अब इस घर को आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये जुल्म नहीं सहेगा, क्योंकि आपको इसका एहसास इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका तो पैसा पूरा इलीगल है, क्योंकि आप तो रंगदारी दारूबाज शराब के बिजनेस करके आप गांजा का बिजनेस करके धन का संपत्ति अर्जित किए हुए, तो आपको थोड़ी समझ में आया गरीबों का दर्द क्या होता है, लेकिन अगर अब ये चलेगा बुलडोजर तो आप समझ याद रखिएगा कि बहुत बुरा होगा।